फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे मखाना बर्फ़ी। ये बहुत स्वादिष्ट बन के रेडी होती है और बहुत हेल्दी भी होती है। मखाना के बहुत तरह के फ़ायदे होते हैं। बहुत इजी तरीके से मैं इसको बनाना सिखाऊंगी। आप इसको किसी भी तरह से खाएं, रोस्टेड खाएं या कैसे भी खाएं मखाना, आज मैं इसको आपकी बर्फ़ी बनाना सिखाऊंगी। ये मैंने 1 स्पून देसी घी ले लिया है। ये मैंने 100 ग्राम मखाना लिया था। इनको अच्छे से रोस्ट कर लूँगी। इसी तरह से लगातार रोस्ट करती चली जाऊँगी मैं 5 मिनट तक, ताकि ये करारे से हो जाए। थोड़ा इसको रोस्ट कर लिया है मैंने। अब मैं इनको एक बर्तन में निकाल लूँगी। ये मैं काजू डालूँगी 10 से 15, और थोड़ी सी किशमिश। आप अपने हिसाब से ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, जितना भी डालना चाहें। मेरे पास यही था तो मैंने इसी से ही बना के रेडी किया है। इसको इनको भी अच्छे से रोस्ट कर लूँगी मैं 2-3 मिनट के लिए। घी नहीं डालूँगी मैं, ऐसे ही रोस्ट करूँगी। अब मैं इसको भी एक बर्तन में निकाल लूँगी। मैं 1 ग्लास दूध ऐड करूँगी इसमें। इसमें शुगर ऐड कर दूँगी। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। मैंने 1 स्पून भर के बड़ा वाला लिया है। अब मैं इसे लगातार चलाऊँगी। इसे हाफ़ होने तक मैं इसे कुक करूँगी, ताकि इसमें एक मावे का टेक्स्चर आ जाए। इतने ही हमारा बॉयल हो रहा है, इतने हम इसको ग्राइंड कर लेंगे अपने किशमिश, काजू और मखानों को ग्राइंडर में। ये मैंने नारियल का बुरादा ऐड किया है। इन सबको मैं मिक्स कर लूँगी। ये बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है और बहुत क्विक रेसिपी और बहुत हेल्दी भी है। आप इसको बना के खाइए, आपको बहुत फ़ायदा भी होगा। कमर दर्द में भी मखाना बहुत आराम करता है। ये मैंने ग्राइंड कर लिए हैं, ये सब मैंने निकाल लिए। ये मेरा मिल्क आधा हो चुका है। ये देखिए, 2-3 मिनट में इसे और कुक करूँगी, ताकि इसका अच्छा सा एक गाढ़ा क्रीम बन जाए। अब मैं इसमें ये सारा पाउडर ऐड कर दूंगी। सबको आपस में इसमें डाल दूंगी और 2-3 मिनट ही चलाऊंगी, देखिएगा। और ये रेडी हो जाएगी। ये देखिए, ये मैंने रेडी कर लिया है। इसी तरह से मैं इसे लगातार चला लूंगी। ये एक डो की फॉर्म में आ जाएगा, 2-3 मिनट में ही आ जाएगा। ज़्यादा आपको मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत परफेक्ट रेसिपी है। आप इसको बना के खा के देखिए। इस तरह से हमारा डो तैयार हो चुका है बिल्कुल। अब मैं इसको एक बर्तन में निकाल लूँगी। इस तरह से ये डो तैयार हो चुका है मेरा, देखिए एकदम गाढ़ा हो चुका है। ये मैं एक ट्रे लूँगी, इसमें थोड़ा सा घी लगा लूँगी और अपना डो इसमें रख दूँगी। और इस तरह से इसको चम्मच की मदद से इस तरह से कर लूँगी। आपको मोटी या पतली रखनी हो, आप जिस तरह से रखना चाहें रखें। इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट ऐड कर दूँगी। 10 मिनट इसे रेस्ट करने के लिए रखूँगी, ताकि ये सेट हो जाए। फिर इसमें कट लगाऊँगी। इस तरह से मैंने ये पिस्ते लगा के और इसको चम्मच से प्रेस कर दिया, ताकि पिस्ते अच्छे से मिक्स हो जाएँ। अब मैं 10 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसको कट करूँगी। आप छोटे बड़े टुकड़े अपने हिसाब से करें। ये बहुत हेल्दी और बहुत यम्मी रेसिपी है। आप इसको ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। आपको ये रेसिपी कैसी लगी, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके बताइएगा, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन बआसानी मिल जाए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।